दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले रॉकेट्री मूवी। रॉकेट्री मूवी जैसा कि आप सभी लोग ने ट्रेलर या मूवी या पिक्चर देख के आए होंगे तो आप सभी लोग ने देखा होगा कि मूवी अमेजिंग है। अगर मैं मेरे फ्रेंड व्यू से बताऊं तो मुझे मूवी काफ़ी अच्छा लगा और ये वीडियो उन सभी लोग के लिए बेहतर हो सकता है जो उन्होंने मूवी देखा है या जो मूवी देखने वाले हैं। तो उसमें कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे पांच बातें जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ जिसे सुन के आप हैरान हो जाओगे। वैसे ये मूवी एक बायोपिक मूवी है यश नंबी नारायण जिन्होंने हमारे भारत के लिए काफी सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया, उनमें से एक विकास इंजन जो आज तक इसरो में कभी फेल नहीं हुआ। चंद्रमा मंगल पे भेजे जाने जितने भी स्पेस होते हैं उन सभी में ये इंजन को यूज किया जाता और आज तक कभी फेल नहीं हुआ। तो और इस तरह से जिस तरह से मैंने मूवी के बारे में देखा और मैंने महसूस किया ये मूवी काफी अमेजिंग है। और जैसा कि इस मूवी से मैंने देखा काफी इमोशनल फीलिंग है उनपे, किस तरह से जुल्म किए गए, यहाँ तक कि उनकी जुल्म जो उनकी फैमिली पे भी किए गए थे, ये सारी चीजों का इस मूवी में पूरा विस्तृत वर्णन किया गया। और ये मूवी उन लोग के लिए नहीं है जो चाहते हैं कि एक्शन, जिनको एक्शन फिल्म पसंद है, जिनको रोमांटिक फिल्म पसंद है, जिनको कॉमेडी फिल्म पसंद है, तो ये सभी चीजें अगर जिनको पसंद है तो शायद ये मूवी उनके लिए अच्छा नहीं हो सकता। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट जो आज तक मूवी में नहीं दिखाया गया और इस मूवी के कुछ अमेजिंग फैक्ट जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को आज तक नहीं मालूम है। आर माधवन और उनकी रॉकेटरी टीम को मेरी तरफ से सैल्यूट है जिन्होंने इस मूवी को कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ के कॉन्सेप्ट को लेकर पूरे पब्लिक को, आम जनता को इंडिया में लेकर आया जिनके बारे में आज तक लोगों को नहीं मालूम था। तो चलो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें बताने वाला जो मूवी बनाते समय कुछ ऐसे फैक्ट अभी तक जिनको नहीं मालूम है तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर वन, आर माधवन ने यश नंबी नारायण जैसे दिखने के लिए उन्होंने अपने दांतों को तोड़वाया, यहाँ तक उन्हें दांतों के जबड़े को थोड़ा ढीला करा, दांत ऊपर नीचे के थे। आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हो काफी सुन के मुझे आश्चर्यचकित लगा कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। एक एक्टर करेक्टर में जाने के लिए अपने आप को किस तरीके से उन्होंने करेक्टर को निभाया काफी अमेजिंग लगा। नंबर टू, इस मूवी को बनाने के लिए आर माधवन को पूरे 6 साल लगे, यहाँ तक कि कोरोना टाइम में उनके साथ कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कुछ टीम को छोड़ दिया, बहुत सारे टीम में कुछ लोग जो उनके साथ बने रहे, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग ने उनके साथ पैसे न लेके भी काम किया। इस तरीके से आर माधवन उनकी टीम को सैल्यूट है कि जिन्होंने इस मूवी के कंसेप्ट को पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड दिखाया। नंबर थ्री, आर माधवन ने जिस प्रकार से यश नंबी नारायण के पूरे बॉडी का जो एज 18-20-25 के एज से लेके मैक्सिमम एज 40-45-50 साल के एज को उन्होंने जिस तरीके से दिखाया है काफी वाकई चीज है, क्योंकि इन्होंने कोई भी बॉडी कवर का यूज नहीं किया और अपने बॉडी को उस तरीके से 6 साल के अंदर बॉडी को कम और ज्यादा किया, ये काफी आश्चर्यचकित है। जिन्होंने कुछ भी यूज नहीं किया सिर्फ बॉडी को खाना और नॉर्मल एक्सरसाइज के थ्रू उन्होंने कम बेसी किया। नंबर फोर, रॉकेट्री मूवी एक ऐसी मूवी है जिनके 3 लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश और तमिल, ये 3 लैंग्वेज में रिलीज किए गए थे। शूटिंग के दौरान यदि मूवी को हिंदी में लिया जाता था तो सेम मूवी को रोक के, सेम उसी जगह सीन को रोक के इंग्लिश में यूज करते थे, सेम उसी जगह रोक के तमिल में यूज करते थे। मींस मूवी में एक भी डबिंग प्लेस नहीं है। मींस अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारी हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, तेलुगु मूवी जो भी आती है यदि एक लैंग्वेज में यूज होता है तो उसके बाद उसका डबिंग वर्जन यूज होता है, बट ये मूवी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर था, इन्होंने तीनों लैंग्वेज में एक ही टाइम पर एक ही प्लेस पे शूट किया है। काफी अमेजिंग, काफी सोचने पे मजबूर कर दिया इस मूवी ने। नंबर फाइव, बहुत सारे लोग का क्वेश्चन था कि इस मूवी में कभी शाहरुख खान का बात हो रहा है तो कभी सूर्या का बात हो रहा है, जैसे कि आप लोगों ने मूवी देखा, तो मैं आपको इस वीडियो में आप बताने वाला हूँ कि इस मूवी में शाहरुख खान एंड सूर्या दोनों ने इस मूवी में अपना करेक्टर निभाया, बट इन दोनों का करेक्टर क्या था, इन दोनों का करेक्टर था इस मूवी में सिर्फ उनसे क्वेश्चन करना, यश नंबी नारायण से उनके बारे में डिटेल जानकारी लेना। बट ये मूवी कैसे ट्रेलर में अलग अलग दिखाया जाए तो मैं आपको बता दूं, हिंदी में जो आपने देखा हुआ ट्रेलर में दिखाया हुआ शाहरुख खान ने इंटरव्यू लिया था उनके बारे में डिटेल पूछा, सेम यही चीज तमिल में सूर्या ने इस चीज को पूछा और इस मूवी को रिलीज किया गया था। इस मूवी का पूरा श्रेय आर माधवन को जाता है जिन्होंने जिस प्रकार से कैरेक्टर को निभाया है, जिस प्रकार से इमोशनल चीज को उन्होंने अग्रेसिव होकर दिखाया है, काफी अमेजिंग लगा मुझे, और जिन्होंने काफी मेहनत किया इस चीज को, बारीकियां पे बारीकियां ध्यान दिया। और मैं आपको बता दूं ये मूवी बनने में 6 साल लग गए,
यस दोस्तों, ये मूवी बनने में 6 साल लगे और आर माधवन उनकी टीम ने ये पूरी मूवी को बनाया है 6 साल मिलके। मीन्स आप समझ सकते हो कि मूवी को बनाने में इतना टाइम नहीं जाता, बट इन्होंने बारीकियां से बारीकियां को ध्यान दिया, मूवी के कंसेप्ट को 95% रियल रखा कि आपको रियल फील लगे। उन्होंने उनके जैसा दिखने के लिए अपने आप को रियल फील जैसा पूरा कराया। यहाँ तक उन्होंने, जैसा कि मैंने बताया, टीथ दांत तोड़वा लिया था, बॉडी फैट बढ़वा लिया था, कोई बॉडी कवर नहीं लगाया था, इंडेक्स नहीं लगाया था, कम करने के लिए भी उन्होंने कुछ किया नहीं, उन्होंने सिर्फ बेसिक खाना और कुछ एक्सरसाइज मेंटेन किया था जिस कारण उनका एज थोड़ा कम लगा। इस प्रकार से ये मूवी मुझे दर्शाता है कि रॉकेटरी मूवी काफ़ी अच्छा है। यश नम्बी नारायण का पूरा बायोपिक इस मूवी में पूरा दिखाया गया। तो दोस्तों, यदि आपने रॉकेटरी मूवी देखा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मूवी कैसा लगा, और यदि आपने नहीं देखा है तो दोस्तों जाओ फटाफट थिएटर में इस मूवी को देखो, काफ़ी अच्छा है। चलो मिलते हैं।